I now call upon our poet, our Urdu Shire, once again. This time he will be speaking on the twelfth Imam, the last divine guide. जनाब डॉक्टर शाउर आजमी साहब आई वुड इंट्रोड्यूस हिम अगेन, ही इज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एंड एन उर्दू शायर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल रेप्यूट दिस शैल बी द लास्ट स्पीच ऑफ द डे खुदा का शुक्र है एक ही नशीस में दो बार वजरा से मुखातिब होने का मौका मिला है पहली तो नजम थे ये मुझे जो उनवान दिया गया बारहवें इमाम आखिरी इलाही रहनुमा अब इसमें सबसे पहले जो लफ्ज़ हमारी ज़बान से निकलता है वो बारा का बारह की इम्पोर्टेंस कुछ अजीब सी आती है आप लोगों ने भी महसूस की होगी मैं सिर्फ आपको याद दिला दूं कि ये अदद बंदों का भी पसंदीदा है और खुदा का भी पसंदीदा देखें जो चीज़ें हमने बनाई जैसे हम जब बारह के अदद के एक सेट को सेट थियरी में जाहिर करते हैं तो उसे दर्जन कहते हैं या डाज और जब बारह दर्जन का कोई सेट बनता है तो उसे ग्रॉस कहते हमने नापने के लिए जो पैमाना बनाया उसमें भी एक फुट के बारह हिस्से किए जिसे इंच कहते तो सिर्फ बंदों ही का पसंदीदा अदद नहीं है ये अदद बंदों का मुहाफिज भी नज़र आता है जो सबसे नाजुक चीज़ आप कहेंगे आपका दिल है और उसके बाद आपका दमाग है आपकी ज़िंदगी दिल और दमाग के बीच ही घूमती है वो गया तो ये गया और ये गया तो वो गया अब इसको भी देखिए आपका जो दिल जो है वो दाई तरफ की बारह पसलियां और बाई तरफ की बारह पसलियों ये दोनों मिला के वो आपके दिल की हिफाज़त करता है ये ना हो तो वेंटिलेटर पे भी आप नहीं चल सकते बड़ी अहमियत है बारह के अदद की उसके बाद जो मैंने कहा ये खुदा का भी पसंदीदा अदद है कलिमा पढ़िए ला लाला बारह हरूफ हैं इसमें फिर कहिए मोहम्मद रसूल इसमें भी बारह रूफ़ है न हमारी ज़िंदगी बारह के बगैर बढ़ती है न हमारा मजहब बारह के बग़ैर बढ़ता है। एक अजीब सी चीज़ है अब तारीख में भी अगर देख लीजिए तो नक़बा बनी इसराइल बारा हवारी ने ईसा बारा और जब हज़रत मूसा ने असा पर पत्थर पे अपना असा मारा था उस वक्त जो चश्मे फूटे थे उसकी भी तादाद बारह थी और ये जो बहुत ज़्यादा अक्लमंद यहूदी फिरौन पीछे से दौड़ा रहा है उसके बाद भी दरियाए नील के किनारे पे अड़ गए कि हमारे बारह कबीले बारह रास्तों से जाएंगे मूसा हम एक से तो नहीं जाने वाले हैं एक ज़रब ऐसा से ये बारह रास्ते बने और फिर बारह बुरूज और क्या क्या है मैंने बीच में दिमाग की बात की थी तो ये क्रीनियल नर्व्स जिससे हमारे सारे हवास आँखें ऑप्टिक नर्व से चलती हैं ये क्रेनियल नर्व भी बारह है अगर ये ना हो तो कान सुनेगा नहीं अगर ये अपना काम न करें तो ना खुशबू नहीं महसूस करेगी और अगर ये ना हो तो अजलात में जो आप आप हाथ का इरादा करते हैं या आपके नर्व इम्पलसेज हैं तो ये अगर ना हो ये जो बारह आदत क्रेनियल नर्व हैं तो आदमी में और मुर्दे में कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा तो ये हमारी ज़िंदगी का भी मुहाफ़ ये अदद दिखाई देता है हमें और इस अदद की कार फरमाई हमारे मजहब में भी नज़र आती है तो बारहवें की ये इम्पोर्टेंस है और एक सबसे बड़ी बात कहना था आखिर में लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं कहता हूँ तो ये इसका एक चार ख़त्म हो जाता है बारह का उर्दू जिस ज़माने में शुरू हुई जब तक हम ये फुल स्टॉप्स कॉमज इन सब का इस्तेमाल नहीं करते थे तो उस वक्त जब कोई पैराग्राफ कोई इबारत ख़त्म होती थी तो वहाँ बारह का अदद लिखा जाता था बारह क्यों लिखा जाता था ये उर्दू में एक लफ्ज़ बोला जाता है हद कहते ना हद कर दी और ये आपकी आखिरी हद है इस हद के आगे न जाइएगा तो ये हद के जब आदाद निकाले जाते हैं तो ये जो हलवे वाला हे, है उसके आठ अदद और दाल के चार अदद आठ और चार बारह इसलिए बजाय हद लिखने के कि उसको भी कोई एक लफ्ज न पढ़ ले इसलिए बारह का अदद लिखा जाता है तो अब आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि बारह जो है वो फुल स्टॉप या द एंड या हद की अलामत है क्या खुदा के लिए मुमकिन नहीं था पंद्रह सोलह बीस पच्चीस इमाम भेज देता बावनवे तिरपनवे भी कुछ लोगों में चल रहा है बारह ही पे क्यों खत्म किया है गालिबा उर्दू जबान ने अपने फुल स्टॉप का तस्वुर बारहवीं इमामत पर खात्मे से लिया है अब ये देखें कि रसूल करीम ने और फरमाया कि मेरे बाद मेरी उम्मत में बारह जहाशीनों में एक हदीस पेश की जाती है कि जिसमें सब के सब कुरैश होंगे कुरैश थोड़ा ज्यादा वाइड है ना उसमें बहुत से लोग आ जाते हैं अब मैं नहीं कह सकता कि हदीस में तहरीफ की गई कि ओरिजिनल वर्ड ये तो बहुत बड़ा रिसर्च वर्क है लेकिन एक दूसरी हदीस जो अलामा सद अली गोपालपुरी ने अपनी किताब हदीयाने बरहक में लिखी है के रसूल ने फरमाया सब के सब हाशमी होंगे अब हदीसों की छान पटक अपने बस की बात नहीं है और न ये दस बारह मिनट की तकरीर में इतना मौका है अब मनत से देखिए तारीख़ुलफलफा में कई सिलसिले जलालुद्दीन सयूती ने और दूसरे लोगों ने कई सिलसिले लिखे तो हम तो भाई बम्बई वाले हैं दुनियादार हैं कोई लेक्चरर डॉक्टर प्रोफ़ेसर हम वो माहिरल में हदीस तो हैं ही नहीं कि बैठ के, के इमजाल की कसोटी पर के काला फुलँ इब्ने फलांँ इब्ने फल ये जो है मखदूश है ये ज़ईफ़ है ये अहसन है ये मुतवा है ये वाहिद है ये सब हम लोग कर नहीं सकते हम लोग क्या कर सकते हैं आदमी को जो पहला मअलम दिया है खुदा ने वो है उसकी अक्ली अक्ल ही से रसूल को पहचानता है अक्ल ही से इमाम को पहचानता है अब उसका ये मतलब नहीं लीजिए कि एक महदूद शायद से लामहदूद का इधराक कैसे होगा ये सब फलसफे वाले मंत्री वो सब लोग जाने यहाँ इतना है कि अकल ही से आपने पहचाना कि ये डिग्री लगा के बैठा है गले में आला है तो ये डॉक्टर है भले वो ना हो लेकिन अकल का पहला फैसला आपका बिल्कुल सही होगा कि भाई ये डॉक्टर होगा काला कोट पहने हुए और वाइट पैंट पहने हुए खड़ा है ये वकील होगा भाई किसी के सर पर सीन नहीं होते आसार से पहचाने जाते हैं आपने देखा ये मातेवे घट्टा है भाई ये नमाज पाबंदी से पढ़ता होगा गले में वो लटका देखा तो इस दुकान पे ना खाओ भाई ये इसका खाना हमारे लिए जायज़ नहीं है यहाँ से ना खरीदो ही तो फैसला करती है कि कोई फरिश्ता आके आपको बताता है तो अकल ये फैसला करती है कि कहा गया है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो तो पहले तो अल्लाह की वो रस्सी भी तो मज़बूत सी दिखाई दे आपने जो हबल्ला हबलुल्लाह के नाम पर दिखाया है एक गांठ बनी उमैया की है तो एक बनी अब्बास की है तो उसमें एक गांठ किसी और कबीले की है एक सी कहाँ है आप अगर किसी मज़बूत सी रस्सी लेने जाएँ तो आप देखेंगे ना कि इंटैक्ट वन पीस होना चाहिए उसे। वो सत्तर जोड़ और बहत्तर गांठ की रस्सी कोई पकड़ के झूला नहीं झूलेगा कि क्या मालूम कब टूट जाए कब गिर पड़े कब साथ न दे और ये साथ कहाँ तक देना है कयामत तक तो अब जब आप खुदा की रस्सी तलाश करेंगे तो ऐसी ही तलाश करेंगे कि जो देखने में भी मज़बूत लगे लाख पच्चीस आदमी गवाही दें और दुकानदार ने पैसे दे के खड़े किए होंगे कि ये रस्सी खरीद लीजिए घाट तो मारी हुई है लेकिन बहुत मजबूत है और आदमी सौ सौ आदमी पकड़ के लटक जाते हैं खरीदार मिल जाते हैं वो कहते हैं ना कि आज पैसे दो तो दुनिया कुछ भी बोलती है तो उस रस्सी को भी इंटैक्ट वन पीस होना चाहिए और ये जितने सिलसिले हैं सब में किसी का फिसको फजूर और उसकी शराब नोशी इतनी आया थी कि उसका नाम नहीं दिया उसके बाद वाले का दे दिया तो भाई वो पहला वाला क्यों नहीं आया मतलब ये कोई इथिकल हिसाब किताब नहीं लगाया आपने मैथमेटिकल कैलकुलेशन से कि ये होगा ये नहीं होगा एक कह दिया बाप कह दिया नहीं वो बेटा तो बड़ा अजीब था पोते का दे दिया उसके बाद किसी और को दे दिया सिलसिला बारह अगर पूरा होता है तारीख़ुल्फुलफा से भी तो सिर्फ वही है जो रसूल क़रीम ने बारह नाम बताए ओपन करके बता दिया कि आखिरी वाला जो होगा उसका नाम मेरा नाम होगा उसकी कुनीत मेरी कुनीत होगी अब हालांकि इस हदीस ने कुछ सवालत उठा दिए कि कुत तो औलाद के नाम पर होती है, हालाँकि वो ज़रूरी नहीं है उसके जवाब में तो अब इमाम ज़माना की जो ख़ानदानी ज़िंदगी है कितनी बीवियाँ हैं कितने बच्चे हैं अब ये भी सवाल तो उठने ही वाला है अगर शादी नहीं हुई है तो भाई क्यों नहीं की ये तो सुन्नत है जो फलैसा मिन्नी में आ जाएगा इसका मतलब है कि हुई और वो सबकी निगाहों से हो जल्ले उसकी मुख्तलिफ रवायतें हैं मैं उसको सॉल्व करने का कर नहीं हूं अब उसके बाद बात है इलाही रहनुमा की यही है ना बारहवें इमाम आखिरी मैंने बताया कि एक साइन ऑफ फुल स्टॉप कि अब इसके बाद कोई नहीं है जिस तरह रसूल आखिरी उनमें का मेरा नाम होगा क्यों कहा भाई कि जैसे मैं आखिरी नबी हूँ वो आखिरी इमाम होगा मैं खातेमुल रसालत हूँ वो खातेमुल इमामत होगा ये बिल्कुल वाज लफ्ज़ों में कह दिया है ज़रूरी थोड़ी है कि आप एक ही से लफ्ज़ हर जगह इस्तेमाल करें अपना मफोम रसूल ने समझा दिया कि ये आखिरी अला रहनुमा है मेरे ख्याल पाँच मिनट बाकी है तो अभी इलाही रहनुमा कैसा होता है थोड़ी सी गुफ्तु ईश्वर हो जाए टाइम और कि ये रहनुमा कैसा होता है और वो पहचाना कैसे जाता जनाब आप सब माशा कुरान शरीफ पढ़ने वाले हैं दूसरे पारे में जो सूर्य बकरा है उसकी आखिर की दस पंद्रह आयतें उनमें यह है, उन है कि अब आखिरी रहनुमा तय हो गया ना अब नहीं बचा है अब सिर्फ चूंकि वक्त बच गया है इसलिए मैं रहनुमा की तशरी कर देना चाहता हूँ इमाम और रहनुमा या खलीफा वसी सब आप मनसब के अतबार से एक तो अब रहनुमा एला रहनुमा की जो उसमें एक स्पेसिफिकेशन है ना ख़ास कि खुदा ही रहनुमा वरना आप वोट दे के बना लीजिए या आप किसी को नॉमिनेट करके बना लीजिए तो ये सब की गुंजाइश नहीं रहनम अब लाही रहनुमा कैसा होना चाहिए देखिए हज़रत इब्राहिम की दुआ है वकाल इन ज़ुरियत थी कि हज़रत इब्राहिम ने कहा और मेरी ज़रूरियत जब उन्हें इमाम बनाने की खुशखबरी दी गई है कि लाना लोहद जालमान क्या हमारा कोई उहदा है हमारा कोई मनसबाल तक नहीं पहुँचे इस लफ्ज़ जालमीन को याद जालिम उसी को नहीं कहते आप आएँ और मुझे दो हाथ मार दें तो आप जालिम कहे जाएँगे या मैं मौलाना साहब की शान में गुस्ताखी कर दूँ तो जालिम एक बहुत ही वाइड लफ्ज़ है जो बहुत सारे मानी में आता है इस लफ्ज़ झालिम को याद रखिए अब वो सुर बकरा की गालिबा दो सौ पैंतालीस से शुरू होती है और आखिर तक यही किस्सा है कि बनी इसराइल में हजरत शमवील का ज़माना है कुछ लोग आए और उनसे कहा कि आप हमारे लिए एक सरदार मुक्र कर दीजिए हम उसकी सरकर्दगी में उसकी कमांडरशिप में खुदा राह में जिहाद करना चाहते मैं होता तो कहता भाई मैंने तो जिहाद का हुक्म दिया नहीं तुम्हें लड़ना है जाओ अपना खुद ही चुनो लेकिन वो खुद भी जानते थे कि इलाही रहनुमा बंदे नहीं चुन सकते न वो वोटिंग से कर सकते हैं न वो नॉमिनेशन से कर सकते हैं न वो डिफ्रेंसीशन से कर सकते किसी भी तरह उनको हकी नहीं है आयत जो मना कर रही है वो समातरमाए मैंने लफ्ज़ धलम याद करने के लिए कहा था आपसे कि याद रखिएगा कि किदरत शमवील ने जनाब तालूत को उनका सरदार मुक्र कर दिया अब जनाब त्यूरियाँ चढ़ गई लोगों की अरे वो फला करोड़पति को जो आपने बिल्कुल ही उनके ऊपर तोज्जो ही नहीं की अब वो फ़लां साहब उनके इतने लश्करी इतने आदमी हैं आपने उनको भी कोई भाव नहीं दिया ये जो गरीब आदमी जिसके पास खाने टिकाना नहीं और रहने का भी कोई उसको आपने हमारा सरदार बना दिया देखिए ये वही जहनीयत है जो मक्के में थी ये इसको नबी बना दिया और कोई मिला नहीं था तुम्हारे खुदा को जो हमारी तरह बाज़ार में चलता है हमारी तरह काम करता है इतने मक्के और मदीने के रोअसा और मल्टी मिलियनर्स की मौजूदगी में मोहम्मद को बना दिया तो नबी ने जवाब दिया कि वो इल्म में तुमसे ज़्यादा है और जिस्मानी क़वत में तुमसे ज्यादा ज़्यादा तो मतलब अब ये दो चीज़ें हो गई में भी ज़्यादा होगा और जिस्मानी क़वत में भी ज़्यादा होगा अब अगज़ा को मली अश को मली इसमें जमा कर लीजिए कि और कोई आता ही नहीं है किसी सूरत से तो इलाही रहनुमा मनसूस में न ला होता है उसकी तरफ से होता है जनाब इब्राहिम ने जब दुआ मांगी अपनी जरूरीत के लिए तो जवाब दिया खुदांदम ने कि ालिमों को नहीं पहुँचेगा एकदम से मायूस नहीं किया लेकिन लग रहा है ना कि कुछ जो है वो उसमें एक बात है और जब हजरत मुरसा ने दुआ मांगी कि मेरे भाई हारून को वज़ी बना दे तो दुआ कबूल कर ली गई इसका मतलब है कि खुद नबी को भी हक़ नहीं था कि अपना जानशीन ख़ुद मुकर करें उसे इलाही रहनुमा होना है अब इलाही रहनुमा हुक्म खुदा से होगा रसूल अपनी मर्ज़ी से तो कहता नहीं तो जो दोबारा नाम गिनाए हैं उसमें आखिरी नाम यही है इसलिए ये जो खिलाफत का सिलसिला सलमान तक आने वाला था या इससे पहले सुल्तान अब्दुल मजीद तक टर्की में हो गया ये एक भी सिलसिला इलाही खिलाफत का सिलसिला इलाही निज़ाम का आखिरी हाकिम आखिरी वारिस आखिरी खलीफा आखिरी इमाम और आखिरी वसी जो कुछ भी कहिए वो हजरत हुज्जत सलात सलाम की जात है एक छोटी सी बात और रह जाती है कि भाई ये गैबत में है तो इसका फ़ायदा क्या और गैबत दो क़स्तों में क्यों शगरा और कोबरा में और कोबरा की भी बड़ी तफसीली बहस है लेकिन शहरा कुबरा तक हमारे इल्मी सेंटर्स इतने नहीं बढ़े थे कि हमारेमा फा ख़ुद अपना मसला सॉल्व करने की हद में आ जाए रैबत सोगरा उसी हद तक थी मिलते थे जवाब देते थे सब होता था कहते हैं रैबत कुबरा में उनके होने का क्या फ़ायदा है आज तक हर आदमी एक ही मिसाल पेश करता था कि जैसे सूरज बदली में छिपा है तो वो होता है कि नहीं होता है उसका फ़ायदा ये कोरोना काल ने तो साबित कर दिया कि इमाम ज़माना की गबत का पूरा पूरा फ़ायदा हमें है अब मैं बॉम्बे में लेक्चर दे रहा हूँ मेरे स्टूडेंट दिल्ली मद्रास कलकत्ता पता नहीं कहाँ यानी के अच्छा उसमें भी आप लोग भी पढ़ाते हैं और पढ़ते भी हैं कोई दो ही चार मुतवे होते हैं सारे स्टूडेंट शूरी क्लास के मुतव नहीं रहे यानी के जो हासिल करना चाहे वो अपने मुअल्लिम से दूर रह के भी हासिल कर सकता है कोई नहीं हासिल करना चाहता तो बदन पैम्बर में भी रह के भी मुनाफिक है वो दूर से भी हासिल कर सकता है। और एक हदीस जो यही मौलाना सैद अली साहब ने लिखी है कहते हैं वो कैसे हो जाएगा वो क्यों कर हो जाएगा अरे भाई अभी हमारी नॉलेज इतनी महदूद है इतनी महदूद है कि वो समंदर में कतरे का कतरा भी नहीं है जैसे जैसे ज़माना आगे बढ़ता है वैसे वैसे ये इस्लामी हकायत प्रूव होते जा रहा है वो हदीस जो मैंने पहली बार बहुत बरसों पर सत्तर उत्तर में वो किताब पढ़ी थी कुछ कुछ उसका इकतबार फिर से देखिए यहाँ के लिए कि जब कोई इमाम पैदा होता है तो कुदरत खुदाबंदी उसके आगे एक मीनार नूर खड़ा कर देती है और उस मीनार नूर में वो अपने तमाम चाहने वालों को भी देखता है दुश्मनों को भी देखता है पुकारने वालों को भी देखता है बोलने वालों को भी देखता है ये ज़रा उस वक्त तक समझ में नहीं आ रहा था लेकिन ये जूम पर जब मैंने भी दो चार क्लासेस ली और क्लासों में शिरकत की तो पता चला जूम तो चौदह सौ बरस बाद आया है ये तो पता नहीं कितने सौ बरस बाद पहले से हमारे अमां के साथ चल रहा है तो बहरहाल मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ ट्वेल्व टॉक्स वालों का कि उन्होंने भी मुझे सादते शिरकत प्रशिर तो मौका दिया खुदा